जी जनाब, वेलकम बैक टाइम आउट विद एहसन खान में। आज हम आपको मिलवा रहे हैं, हमारे बड़ा एक स्पेशल सेलिब्रिटी कपल है। बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत प्यारे इंसान है, बता चुका हूँ, बड़े प्यारे दोस्त भी हैं। काम बहुत अच्छा करते हैं दोनों, आपको दोनों मुख्तलिफ प्लेस में जगहों पर नजर आते रहेंगे और बहुत अच्छा काम करते हैं। अच्छा, सेलिब्रिटीज के बारे में बहुत से लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं कि इनकी शादी कैसे हुई, क्यों हुई, फिर शादी के बाद अगर कभी झगड़ा हो जाए, जैसे आम लोगों में भी हो जाता है, लेकिन एक हवा बन जाता है, और अगर खुदा ना खास्ता कोई और प्रॉब्लम हो जाए तो उसको फिर स्कैंडल के तौर पे बहुत ज़्यादा लोग मुख्तलिफ कयास रायाँ करते हैं कि इनमें हुआ क्या, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये चक्कर था, वो चक्कर था। तो जनाब, ये बातें भी हम ज़रूर करेंगे, लेकिन इन की जो शादी है वो माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त जो चल रही है, उसके बारे में जानेंगे कि ये राज क्या है शादी आखिर जो सेलिब्रिटी कपल की इतने अच्छे अंदाज में जो गुजर रही होती, तो उसमें किसका हाथ है। तो जनाब, प्लीज वेलकम विदाउट एनी डिलेज हसन अहमद एंड सुनीता मार्शल। हाउ आर यू? हेलो हेलो, आपको नहीं मिला आपके घर की बात कर रही हूँ। मेरी बात नहीं की यार, तू मेरी तारीफ कर दे भाई, तेरी बेगम भाई आप बहुत पप्पू लग रहे हैं। आप हमेशा अच्छे लगते हैं सर। आपने आपने ना वो रिवर्स गियर लगाया हुआ है। अच्छा, जो बस जवान ही रहेगा। वैसे एक रिवर्स गियर आगे तो बढ़ेंगे, सुनीता का तो गियर स्टक हुआ हुआ है। हाँ, मतलब मैं साल नहीं बोलूंगा क्योंकि जरा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन माशाल्लाह सिंस एवर, यानी मैं जब से सुनीता को देख रहा हूँ ये फ्रीज है। हसन, राज बता दे आज यार। वो कहते हैं ना फॉरएवर ग्रीन, इसलिए आज ग्रीन फॉरएवर ग्रीन, आज ग्रीन पहन कर आएंगे। कहीं हम लोग जाते हैं ना तो मैं अब डाइट खाने पे कंट्रोल ये वो। हाँ। कहीं हम जाते हैं तो कोई आंटीज आती हैं, बोलती हैं आप तो माशाल्लाह कितनी ये वो, मुझे उस वक्त इतना गुस्सा चढ़ता है। मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलता है, अरे आप तो और भी ज्यादा पतली हो गई, डाइटिंग कर रही है। डाइट ये कर रहा होता है बेचारा। क्या चक्कर है यार, ये मॉडल्स का क्या राज है, इतनी फिट स्मार्ट कैसे रहती हैं? हसन बता दे भाई। सुनीता भी तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है कि अल्लाह का हाथ है। अच्छा, हाँ हाँ, और कुछ मसला नहीं है। मेटाबॉलिज्म इज ग्रेट, यस, एंड शी ईट्स एवरीथिंग शी वांट्स टू। हाँ हाँ हाँ, बिला झिझक। माशाल्लाह माशाल्लाह। पिछले दिनों मैं कह रहा था कि सुनीता बस कर दो, थोड़ा सा सोच लो। कहती नहीं, मुझे नहीं सोचना। मैं कहा ठीक है, ना सोच, हम सोचेंगे। नहीं नहीं, बट आई डू समटाइम्स, क्योंकि मेरा फेस ऐसा है कि वो स्क्रीन पे मोटा आता है। जैसे अभी मैं आपको जितनी पतली लग रही हूँ, अब यही जब रिकॉर्ड हो जाएगा और बाद में टीवी पे आएगा तो मैं उस पर हल्की सी चबी लग रही होंगी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा अच्छा, एक बात है जो मैंने 5 साल हसन मैसेजेस करता रहा, और वो मैसेज सिर्फ सुनीता को ही किया जाता था या 3-4 लड़कियां रखी हुई थी कि चलो कोई तो मानेगी शादी के लिए? ये बताने वाली बातें नहीं होती। अच्छा चलो, पूछने वाली बात पे, खाली सुनीता को करता था मैसेज। हसन ने 5 साल सिर्फ सुनीता को मैसेजेस किए हैं। नहीं, मैं वैसे हाथ धो के पीछे पड़ गया था उस वक्त, क्योंकि मेरा स्टार के बारे में कहा जाता है कि जब एक चीज के पीछे पड़ जाए, स्टबन और जिद्दी होते हैं। हाँ। तो पड़ जाते हैं। व्हाट स्टार आर यू? एरीज। एरीज, एरीज जिद्दी है। हाँ, हो जाते हैं कभी कभार। मैं भी एरीज हूँ, हम सब एरीज हैं बाय द वे, हमारे बच्चे भी एरीज हैं। बेटा पाइसीज है, वो 2 दिन पहले हो गया। अच्छा। लेकिन उसने भी एरीज ही होना। एरीज वाले सारे वो क्वालिटीज, सारी क्वालिटी एट्रीब्यूट सब होंगे। हाँ। अच्छा, फिर 5 साल फिर सुनाए जरा कहानी भाई। मैं बस उस वक्त एक जमाने में मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करता था। सो हम लोग एक शो प्लान कर रहे थे, फैशन शो। ओके, तो मेरे लिए बड़ा एक्साइटिंग था, बिकॉज मुझे ना मॉडल्स और वो ग्लैमर ना बड़ा एक्साइट करता था। But you were not in this field as an actor or model. I wasn't. So Lahore mein wo show tha, HSY was directing the show. Okay. Bahut bada show tha. To wahan hum ja rahe the, to I remember ki main flight mein apni boss ke saath tha. And there's this girl jo ki piche baithi hui all black mein. Theek hai. Wah. Main baar baar piche taadne ki aadat to hoti hai hum ladkon ki, bhai kya kare ab. To piche baar baar main dekh raha tha na, ask my boss. Maine kaha ye kaun hai yaar, who's this woman? Kehti you don't know her? मैं कहा नो, आई डोंट नो हर। कहती है सुनीता मार्शल। मैं कहा अच्छा अच्छा मैं कहा बहुत टाइट है। कपड़ों का रंग तक याद रखा हुआ है। हाँ। सुनीता ने ग्लासेस लगाई हुई थी जहाज में, मैं तो बड़े बड़े यहाँ तक बड़े यहाँ तक और मैं सो रही थी बेखबर, मुझे नहीं पता कि कोई। मैंने सिर्फ जब बैगेज बेल्ट पे मैं बैगेज के लिए रुकी हूँ तो मुझे लगा कि कोई लंबा सा कोई इंसान आगे की घूम रहा है। खैर वहाँ गए, फिर शो में बिजी हो गए वहाँ पे। फिर obviously I saw live ramp walk जो मैंने आज तक नहीं देखी थी। okay. And I was actually one of the directors of the show as well. तो मैं देख रहा था, फिर और भी हसीन हसीन लड़कियाँ नजर आना शुरू हुई। इरज सुनीता की दोस्त थी, वो
विनी सारे लोग थे, बड़े बड़े मॉडल्स थे. सो मैंने कहा यार ये तो बड़ा ऑन सीन है, मैं तो कुछ इसमें यू नो मैं तो यही करूँगा मैं. खैर वो हो गया शो. उसके बाद मुझे क्लाइंट ने बोला एक दिन कि यार आप मुझे बताएं कि सारी मॉडल्स ने ट्रैवल किया था कि नहीं किया था. मैंने कहा बॉस किया ही होगा, शो अच्छा हो गया. उसने कहा नहीं, वो यार फिनिकी थे पैसों के मामले, उन्होंने कहा हमें बोर्डिंग पासेस चाहिए. अब आप मुझे एक बात बताएं, बोर्डिंग पास के लिए नंबर लिया, मुझे एक बात बताएं एहसन, अगर आपको पता करना है तो आप शो की फुटेज देख लें, कौन कौन मॉडल थे, है ना? बात तो है, बोर्डिंग पास कौन संभाल के रखता है, पहले ये बात इसके पीछे कोई मैं और अपने बच्चों की कसम खाता हूँ कि उन्होंने मुझे कहा था कि बोर्डिंग पासेस चाहिए. लेकिन जब मुझे कॉल्स आती थी कि आप बोर्डिंग पास दे, बोर्डिंग पास दे दे, कौन रखता है संभाल, तो मैंने एग्जैक्टली यही बोला. हाँ. भाई बोर्डिंग पास तो इंटरनेशनल फ्लाइट का कोई नहीं रखता, डोमेस्टिक का कौन संभाल के रखेगा, बट सुनियर है जो संभाल के रखेगा. एग्जैक्टली, बट आई एम गिल्टी दो द फर्स्ट नंबर आई कॉल्ड वाज हर्स. फिर उसके बाद इत्तेफाक था कि पता नहीं नादिया की शादी हो रही थी, किसकी शादी हो रही थी, या पता नहीं शो था, नहीं नहीं हम सारी मॉडल्स मिली उसके दो दिन के बाद ही. और फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा तुम लोग को इस तरह की कोई कॉल आई है जिसमें बोर्डिंग पास, उन्होंने कहा नहीं कोई कॉल नहीं थी. तो फिर सबने कहा नहीं ये कोई गड़बड़ है, ये कोई और सीधा बोर्डिंग पास नहीं चाहिए था. अच्छा वो हुआ, नंबर मेरे पास आ गया था. उसके बाद मैंने मैसेजेस शुरू किए. मेरे साथ मेरा एक दोस्त था इमाद, ही इज़ मोर टॉलर देन मी, लंबा सा ना. तो मैंने उससे बोला कह रहा कैसा चल रहा है तेरा. मैंने कहा यार अभी तक बातचीत चल रही है, बट शी हैज़न्ट हामी नहीं भरी मिलने की. कह रहा अच्छा ठीक है लगा रहा है. तो आई थिंक उस वक्त रात में 31st की नाइट थी, 31st December. कहता उससे पूछ कोई पार्टी वार्टी पर जा रही है. मैंने कहा अच्छा आइडिया है. मैंने मैसेज किया सुनीता को, मैंने कहा आर यू गोइंग टू अ पार्टी. एक्चुअली वो मैसेज मैंने किया था लेकिन मेरी टोन यही थी, ओके आर यू गोइंग टू अ पार्टी. तो आगे से जवाब आया नो आई एम गोना बी होम एंड आई एम गोना गो टू अ मास. तो ये मैंने जब उसको पढ़ाया, उसने कहा भाई वो अपनी उस पर जा रही है मजहबी एक्टिविटी तकरीब. हाँ तो मेरा जो दोस्त है कहते हैं यार ये तो ये इसको छोड़ दो. अच्छा हाँ ना ये पार्टी कर रहा है ना ये तुम्हें रिस्पॉन्ड कर रही है, ये तो अपनी मजहबी तकरीब में जा रही है. ये तो फारिग सीन है, ये हम चलते हैं. तो हम चले गए कहीं एंड उसके बाद लेंगे. फिर भी वो होता है ना कि एक चीज आपको ना मिले तो आप फिर भी इंटाइस रहते हैं कि नहीं यार एक्सप्लोर करना चाहिए. क्या सीन है, क्या सीन बस फंस गया ना ज़हन में. yes. यानी ये मतलब हाँ सीन ऑन करना है. फिर आई थिंक उसके भी 3 महीने बाद में लगा. एंड कोइंसिडेंटली नाउ आई एम टेलिंग दिस स्टोरी कि ये जो खुला है हमारा अफेयर प्रॉपरली, वो भी इस शो का जो प्रोड्यूसर है जो है हमारे दानिश पाजा साहब, दानिश के सेट पे जाके खुला है. So you obviously liked her, I mean instantly. Did you like him like that? Or yeah, वो कहने यार अच्छा he's a good guy चलो. अच्छा अब हुआ ये कि जब हसन ने messages start किए तो मैं तो हसन को नहीं जानती थी, ना मैंने शक्ल देखी हुई थी. लेकिन मुझे शुरू से वो नहीं होता, बचपन से एक जहन में होता है कि you want to find a person जिससे आपका mind मिल रहा हो. तो मुझे उसकी उसको देखना नहीं, but I would just want somebody जिससे मेरा mind मिल रहा हो. तो अब नेचुरली जब हसन मुझे मैसेज करते थे, अब आई एम अ वेरी प्राइवेट काइंड ऑफ अ पर्सन. आपको ऑब्वियसली इस फील्ड में रह के आपको बहुत ज़्यादा प्रैंक कॉल्स आती हैं, आपको मैसेजेस आते हैं. आई नेवर यूज टू रिप्लाई, बट फॉर सम रीज़न आई थिंक ऊपर लिखा हुआ था हमारी जोड़ी लिखी हुई थी. आई रिप्लाइड एंड आई रिप्लाइड एंड आई स्टार्टेड रिप्लाइंग एंड वी स्टार्टेड चैटिंग ऑन द फोन फॉर अबाउट 3 months. एंड यू डिडंट सी हिम? आई हैडन्ट नो आईडिया कि ये कैसा है. 5 years. नहीं 5 साल देखा ही नहीं उसने. नहीं नहीं 5 साल नहीं, यार 3-4 महीने नहीं देखा. हाँ 3 महीने हमारी मैसेजेस पे बात हुई. 3 महीने के बाद फाइनली मैंने कहा कि आई थिंक वी शुड मीट वंस. मेल ही लो यार, एक दफा शक्ल तो मैं देख ही लू ना. जस्पा ने मैसेज भेजा वी शुड मीट वंस और मैंने वहीं से चाबी उठाई. अच्छा फिर जब हम मिले पहली दफा तो मुझे लगा कि एक जायंट सा बंदा, लंबा और मोटा. ओके लेकिन एसन मैं आपको बताऊं, हमारी वो हम कंपैटिबल थे, हमारी हमारा दिमाग से एक दूसरे से मिलता था एंड वी बिकेम गुड फ्रेंड्स. अच्छा और ऑब्वियसली जब आपकी मेंटल वो कंपैटिबिलिटी हो जाए फिर आपकी विजुअल वो बाद की बात हो जाती है. एग्जैक्टली लेकिन अच्छी या बुरी, लेकिन पहले ज़हनियत मिलना बहुत आपको अच्छा लगता है. फिर हमारी जब बातचीत होना शुरू हुई तो यू नो आई स्टार्टेड लाइकिंग हिम. और उसके ऊपर सोने पे सुहागा क्या हुआ कि 1 साल के बाद हसन ने कहा कि मैं तो वेट लूज करूंगा. And खुद ही या यू? नहीं नहीं मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा. उसके बाद 1 साल लगा. होता ही था कि 1 साल लगा वेट लूज होने में. नहीं मैं इसके साथ कहीं जा रहा हूँ, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाया, जावेद फाजिल साहब की शूट पे एक दिन मैं पिक करने चला गया, अदनान सिद्दीकी भाई. तो मुझे लोग बोलते थे
हाँ सही है, मोटा है लेकिन हमारे जिस तरह ब्लंट होते हैं ना लोग बोल देते हैं। अब मैं, मुझे लग जाती थी वो बातें, तो मुझे एक दिन वो बात लग गई, मैंने कहा यार मैं इन सबको दिखाऊंगा कि मैं कत्ता क्या हूँ, ऐसी की तैसी। इट टुक मी 9 months, मेरी 46 वेस्ट थी, 135 किलोग्राम्स मेरा वेट था, और मैंने आई स्टिल यूज टू वर्क इन एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी, उसके ऊपर जिम बना हुआ था, वो मुझे फ़ायदा हुआ। मैं ना खाने पे, मैं इसको मिलना छोड़ दिया था, मैंने कहा मैं नहीं आ रहा कहीं जाना है, मैंने कहा मैं नहीं आ रहा, मैं जिम करे बगैर नहीं आ सकता। सो आई यूज टू गो देयर, आई यूज टू वर्क आउट, और फिर मैं 9 महीने के बाद मैंने कहा अच्छा आप बताओ, ये इतना वजन सिर्फ मोहब्बत में कम हो सकता है इंसान का, और कोई मोटिवेशन नहीं हो सकता। वही बात है ना कि अच्छा फिर किया, अच्छा देन यू गाइस लवी डवी, यू फेल इन लव, और एक अच्छा रिलेशनशिप हो गया, दोस्ती हो गई, फिर शादी का डिसाइड करने का दोनों में से पहले किसका वो था फैसला? शादी, अच्छा तुम, शादी का ये था कि एट फर्स्ट तो ये हुआ था कि इसकी फैमिली ने आउटराइट मना कर दिया था, ठीक है, कि बिकॉज़ ऑफ द रिलीजियस डिफरेंस ना, ठीक है, कि नहीं हो सकती, एंड वो इस तरह मना कर दिया था वो कि ये चली गई थी इंग्लैंड, माय इन-लॉज लिव इन इंग्लैंड, राइट, और ये फोन उठाती नहीं थी वहां पे, और मेरे दोस्त भी फोन कर रहे हैं, दानिश ख्वाजा साहब भी फोन कर रहे हैं, फैमिली वालों ने बोला था शादी नहीं करनी यहां पे, हां ऑफ कोर्स मसले चल रहे थे, ओके, तो आई वाज थिंकिंग, आई वाज इन दैट स्टेट कि भाई क्या करना है अब। मेरी बहन फ़ोन करती थी तो नहीं उठाती थी, तो फाइनली एक दिन ये खातून वापस आ गई इंग्लैंड से, एंड देन शी वॉज वेरी क्लियर कि वी कॉन्ट डू दिस, दिस इज़ नॉट हैपनिंग, तो बस तुम मुझे मैसेजेस करना बंद करो। अच्छा मुझे उस वक्त आके गुस्सा, मैंने कहा भाई ऐसे कैसे हो सकता है बंद कर दूँ, भाई इतना टाइम इन्वेस्ट किया है अब कुछ तो भाई मतलब क्या मतलब ऐसी मेरे दोस्त भी साथ होते थे, छोड़ दे क्यों छोड़ दूँ भाई। तो खैर एक दिन फिर शी मेट मी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ चीज़ें लेके आया हूँ, तो मुझे याद है हमारा एक दोस्त है म्यूचुअल हबीब, मैं उसके साथ बैठा हुआ था, मैंने कहा हबीब भाई ये मैसेज आया, वे मुझे ये लोग अपने ग्रुप में बुड्ढी कहते हैं, बुड्ढी अपॉर्चुनिटी है, ये भी कहानी पूछना बुड्ढी क्यों कहते क्यों कहते हैं वैसे, हाँ वैसे चलो वो बात पूछते हैं, मुझे अपॉर्चुनिटी है जाके ना बिल्कुल ना बिल्कुल ऐसा पपी डॉग वाला यूं वाला मुंह बना लेना बिल्कुल रोते वाला ना, मैंने कहा अच्छा भाई ट्राई करूंगा। खैर आई वेंट टू हर, और ये पूरा वक्त इसने ये रोई है आंखों से आंसू थे, और मुझे चीज़ें दी बड़े प्यार से, और वापसी पे शी हैड बिन ब्रेन वॉश्ड इन अ वे कि तुमने बिल्कुल कोल्ड रहना है, वापसी पे मैंने आई वॉज गोइंग टू ड्रॉप हर, शी वॉज वेरी कोल्ड, बट मुझे इतना यकीन था, मैंने कहा भाई गेम सेट हो जाएगी, ये वापस आएगी 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 आएगी, और गेम वापस आ गई फिर अगले कोई 4-5 महीनों में। क्या बात है, तो फिर देयर वाज अ प्रॉब्लम इन योर फैमिली आल्सो अ लिटिल बिट? माय फैमिली ऑलवेज हैड एन इशू, लेकिन अल्लाह का शुक्र ये है कि समहाउ मैं, मेरे फादर का बड़ा सपोर्ट था मेरे साथ, अच्छा, क्योंकि वालदा बहुत रिलीजियस भी हैं और रिलीजियस भी हैं, आई डोंट ब्लेम हर, लेकिन जब इंसान को हो जाता है ना एक रिलीजन का वो, तो उसमें कुछ आपके इख्तलाफात मेंटली ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस आपके जहन में पैदा हो जाती है कि कैसे होगा, कब होगा, बच्चों का क्या होगा, रिलीजियस टीचिंग कैसे होगी, किस तरह से होगी। माई फादर इज़ अ बिट चिल्ड आउट, तो उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया किसी भी चीज़ पर, उन्होंने कहा बस बेटा मैं बैठा हूँ कर, बट आई ऑलवेज हैड एक अम्मी के साथ एक रहा, एक एक टेंशन रही कि शादी हो रही है ये वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन आई थिंक एवरीथिंग वर्कड आउट। अभी भी मतलब कुछ चीज़ों पे होता है कि रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट अगर लोग समझते नहीं आते, ऐसा नहीं है, आते ज़रूर हैं, बट हर चीज़ का एक तरीका है, देयर इज ऑलवेज अ वे अराउंड इट, अराउंड एवरीथिंग। अच्छा इट्स अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन, व्हाट डू किड्स फॉलो नाउ? They're Muslims. They're Muslims. Yeah, this was decided from the beginning, from day one. But do they ever even go, when they were not born? Do they ever go to a Christmas ceremony or? Haan, they would celebrate. That's fine. Yeah. I mean, मतलब church नहीं, मगर ये कि अगर मेरी family के यहाँ कोई dinner है Christmas, तो obviously they go. हाँ हाँ. Church नहीं जाते. अभी जैसे हमारे घर पे एक Christmas tree लगाते हैं लोग. ठीक है. इख्तलाफ भी करते हैं कि आप Christmas tree भी नहीं लगाएं. लेकिन मेरा जो point of view है वो ये है कि एक चीज है, एक फेस्टिविटी है, सही है, एक विंटर को वेलकम करने की फेस्टिविटी है, सही है, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं। और प्लस दूसरे की रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट करना भी बहुत जरूरी है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस अंडरस्टैंडिंग, एंड दैट्स व्हाट वी हैव टू टीच आवर चिल्ड्रन एज़ वेल, ना टू रिस्पेक्ट एवरीवन। बट अल्हम्दुलिल्लाह माय किड्स नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, अम्मी का भी उन पे एक बड़ा अच्छा स्टर्न और समझाने वाला प्यार वाला हाथ है कि वो दे फॉलो द रिलीजन क्वाइट वेल, and I'm very happy how it is going up till now. ठीक है, जबरदस्त है, माशाल्लाह। कोई ऐसी हसन की बात जो मतलब इंतहाई पहले दिन से अब तक बहुत बुरी लगती है यार, कि ये बात तो काश के हसन में से निकल जाए। हसन बहुत मैसी है,
हसन जो है ना वो अपने कपड़े लियोनेल मेसी भाई गिर गया कोई बात नहीं हसन का मसला ये है कि हर जगह कपड़े फैले यार ये तो सब मुझे लगता है ये सारे मर्दों का हाल है ये प्रॉब्लम है ये बातें हमें भी सुनने को मिलती है भाई ये तो ढालिया करो वो पड़ा हुआ था वहां पे जूते हर जगह बच्चों की तरह गंद पड़ा हुआ है मेरे बच्चे वैसे इतना नहीं गंद करते जितनी चीजें हसन की फैली होती है हसन 12 साल में भी तूने सीखा यार इतनी दफा से बोला नहीं और बेस्ट ये है कि बोलना छोड़ दिया नहीं फिर हसन कहता है कि मेरी चीजों को हाथ मत लगाना तो अब वो जब कपड़े सोफे पे पड़े होते हैं वो वहीं पड़े रहते हैं मैं भी नहीं हाथ लगाती नहीं अब मैं तय करके रख देता हूं इट माइट टेक सम टाइम दो हफ्ते ढाई हफ्ते बाद में कर देता अच्छा हाथ क्यों नहीं लगाना यार बिकॉज इन लोगों की आदत होती है कि कपड़े उठाते हैं और अपनी मर्जी की जगह पर रख देते हैं जो उनके बाद में खुद भी याद नहीं होती खुद भी याद नहीं होती कहां रखा है दिस इज लाइक इट्स लाइक डेजा इट्स सो लाइक फैमिलियर यू कांट अंडरस्टैंड आई नो एक तो आपको गुस्सा आ रहा होता है कि यार मेरी चीज उठा के रख दी ऊपर से आपको खुद भी नहीं याद यार और वो फिर 4-4 साल नहीं मिलेगी हां नहीं मिलती वो नहीं ऐसा भी नहीं है 4 साल ही ना मिले हां सुनीता की फेवरेट लिपस्टिक का कलर कौन सा यही जो लगाया है द डार्कर शेड्स शी लाइक्स द डार्कर अच्छा उनसे पूछना था नहीं वो यही लगा रेड बहुत फ्रीक्वेंटली ये ऐसे इसको पता नहीं था अभी बोल दिया नहीं उसको पता है क्योंकि मैं लगाती ही है रेड बहुत फ्रीक्वेंटली लगाती ठीक है अच्छा हसन को ड्रामा में खींच के लेके आई थी कि यार कर लो नहीं बिल्कुल नहीं ये हसन का अपना डिसीजन था अपनी ही मेहनत से आया है मैंने तो किसी को यू वर डूइंग सो मेनी ड्रामास देन यू टुक अ स्मॉल ब्रेक बिकॉज़ ऑफ किड्स एंड ऑल है ना यस तो ये हसन अपने ओन पे खुद ही बस बिल्कुल सब खुद ही मैंने तो कभी मशवरा भी नहीं दिया कि हसन ये कर लो कभी नहीं बट हसन मतलब बिकॉज यू आर अ गुड एक्टर आई सॉ योर प्ले रिसेंटली भी आई रिमेंबर आई मैसेज्ड यू आल्सो हाँ जी हाँ जी और बड़ा उसमें मजे का कैरेक्टर था यू आर अ वेरी गुड एक्टर तो वो कैसे डिस्कवर हुआ कि यू आर एन एक्टर और अचानक से यानी कर भी लिया एक्टिंग आई थिंक डिस्कवर नहीं हुआ मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर एक्टिंग के कीड़े मौजूद नहीं थे उनको पैदा किया गया है नहीं मगर जीन्स में तो आया ना अब जो नाना है उनकी जीन्स थोड़ी बहुत तो कोई आई होगी ना प्रोबेबली हां ऑफ कोर्स फैमिली बट मुझे ऐसा लगता है कि हार्ड वर्क बहुत करना पड़ा है मुझे नाना का जिक्र सुनीता ने किया तो उनसे कोई कभी कोई इंस्पिरेशन कुछ सीखा कुछ देखा उनके काम कोई बहुत कुछ अच्छा लगा उनके जब उस जमाने में जब मैं था तो आई वॉज वेरी यंग जब मैंने उस वो आया थे तो उस वक्त मुझे as such कभी कोई शौक नहीं हुआ ज़हन में आया भी नहीं कभी भी नहीं आया था डिड यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग दैट ही यूज्ड टू डू दिस वर्क नॉट रियली आई नेवर रियली मेरा ज़हन ही नहीं गया उस लेकिन जब उसके बाद जब मैं आया हूँ तो कभी खान साहब कभी अंकल के साथ काम किया उन्होंने उनको पता लगा कि मैं किसका नवासा हूँ तो सब यही कहते हैं कि तुम्हारे जो अब जो जीन्स हैं एक्टिंग के जो तुम थोड़ा बहुत अच्छा काम कर लेते हो वो वहीं से आए तो आई एम ब्लेस्ड इन अ वे कि अगर वो वहां से आए हैं बिल्कुल सही है तो सही है ठीक है हसन सुनीता ने तो बताया कि एक आदत बहुत जो बुरी लगती है सुनीता कौन सी आदत जो बहुत ही मतलब गुस्सा आता है साथ में सुनीता बहुत कैजुअल है जैसे कोई एक थोड़ी सी काम कोई थोड़ा सा वरीसम काम हो रहा होगा ना जो आपके जहन में कि यार ये जल्दी से कर लो यार हाँ या ये अभी तक राकिन घर नहीं आया या अभी तक ये नहीं हुआ है सुनीता वुड बी सो कैजुअल कि आप कहेंगे यार कोई इंसान इतना ठंडा कैसे हो सकता है यू नो व्हाट आई एम सेइंग भाई मुझे एक बात बताएं क्या मतलब है मुझे बहुत गुस्सा आता है इस चीज से बहुत गुस्सा आता है कोई काम होना होगा तो वो हो जाएगा ना उस पे खामखा शोर मचाने की हाय अल्लाह ये कैसे होगा हाय ये क्या हो गया कभी एक ज़हन में बात होती है कि अभी हो जाए यार जल्दी हो जाए और she'll be chilled out. हाँ मतलब नहीं मगर मैं I'm very quick that way ना मैं खुद ही जल्दी से कर लेती हूँ काम कभी कभार ना बिल्कुल ही she has that expression on her face ना कि whatever नहीं मैं उस तरह से हूँ जैसे अगर बच्चे बीमार होते हैं ना नहीं बच्चे अगर बीमार होते हैं ना तो हसन बहुत ज्यादा टेंशन ले लेता तो मैं उस मामले में बहुत चिल हूँ मैं पैनिक नहीं करती कि अच्छा भाई बच्चे को चोट लगी है बीमार है कोई बात नहीं विल हैंडल इट ठीक है खामखा उसके ऊपर परेशान होना तो मैं भी नॉर्मल हो गया हूं लेकिन कुछ सिचुएशंस तुम्हारी ऐसी होती हैं जिस पे बंदा कहता है यार सॉरी ह्यूमन राइट्स वाले कुछ बोलेंगे ना मुझे गलत हूं अच्छा कभी प्रोडक्शन करने का सोचा है कि अपना एक प्ले बना लें हीरो भी है हीरोइन भी है और फिर प्रोड्यूस भी कर लें कुछ सोचा कभी मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम दोनों साथ काम जो है ना प्रोडक्शन वाला वो आई डोंट थिंक वी कैन हमारी बहुत लड़ाइयां होंगी आई डोंट थिंक वी कैन डू इट दोनों बल के बैठे कभी लड़ाई नहीं हुई इनकी इतने शरीफ नहीं, बिल्कुल बहस होती है हमारी ठीक है लड़ाई तो ब्रेक के बाद होने वाली कौन जीतेगा कंपटीशन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे वापस आएंगे और बहुत ही मजे की गेम्स जो आज हम हसन से और सुनीता से खिलवाएंगे गेम्स हमारे साथ रहिए देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान